नगर क्षेत्र से प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां ग्रामीणों को फाइनेंस के नाम पर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर लोन दिया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में एसडीएम ने एक्शन लेते हुए मामले में जांच शुरू कर दी है। देखें ये खबर। भैरुंदा क्षेत्र के ग्रामीण से प्राइवेट कंपनियां ब्याज पर लोन देकर मोटी रकम वसूल कर रही है, जिसमें प्राइवेट कंपनी के द्वारा ग्राम पंचायत से लोन की अनुमति लिए बिना ही फर्जी सील लगाकर ग्रामीणों को लोन दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत पंचायत सचिवों के द्वारा एसडीएम से की गई थी, जिस पर तत्परता दिखाते हुए भैरुंदा एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने अलग फाइनेंस के दफ्तरों पर दबिश दी और उसकी जांच पड़ताल की, जहां एसडीएम ने बताया कि उन्हें फाइनेंस कंपनी के द्वारा फर्जी कागज तैयार कर ग्रामीणों को लोन पास करने की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते आज फाइनेंस कंपनी के ऑफिस को जांच में लिया गया। जल्द ही संपूर्ण जांच की जाएगी। इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के संबंध में ग्राम पंचायतों की तरफ से एक शिकायत आई है कि वो इनके जो वर्कर हैं, जो डीलर हैं, वो फर्जी सर्टिफिकेट जारी करके उनके साइन नहीं है और फर्जी साइन करके और डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उन पर ये फाइनेंस कर रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी भी उनकी है या नहीं इसकी भी कोई जाँच नहीं हो रही है और फाइनेंस कर रहे हैं वो लोग। तो इस संबंध में हम जांच करने आए थे, चूँकि आज अभी टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अब बाकी इन्होंने अपना ऑफिस टाइम बंद हो गया है उनका, अब कल से इसकी हम जांच करेंगे, आगे क्या सच्चाई है वो आगे उजागर करेंगे। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इस पर? अभी जांच करेंगे कि वो वास्तव में इनके सचिव सरपंचों से हम उसकी चेक कराएंगे, पंचायत का रिकॉर्ड बुलाएंगे, बहुत सारे प्रक्रिया हैं जिसमें हमको जो है पटवारी से तहसीलदार से अभी हम रिपोर्ट लेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी हम इसमें करा सकते हैं कि जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो सही है कि नहीं है, और सही है तो वो लीगलिटी क्या है उसकी, क्योंकि आजकल ग्राम पंचायतों में जो गांवों के आबादी के जो पट्टे बांटे जा रहे हैं वो सरकार की स्कीम थी, स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन सर्वे हुआ था और तहसीलदार की आईडी से वो जारी हुए हैं, तहसील के पास उसका अधिकार अभिलेख है, पंचायतों को तो इस संबंध में कोई प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार भी नहीं। बहरहाल अब देखना होगा कि प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों के विरुद्ध ये जांच सही पाई जाती है तो जिला प्रशासन कंपनियों पर क्या एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भैरुंदा।